बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भविष्य के निर्माता भी। ऐसे में उनके अधिकार, उनकी देखभाल और उनके शिक्षा के लिए हर साल 14 नवंबर को हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में भी मनाया गया। आज कोठी रोड स्थित बाल उद्यान में शहर कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर बैरागी जी नेहरू के जीवन पर अपने उद्बोधन में कहा कि नेहरू जी ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिसमें कई बड़े उद्योग, डैम और कई बड़े एयरपोर्ट भी शामिल है। वर्तमान सरकार इनको बेचने में लगी हुई है। हम राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल जी का जन्म दिवस मनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और घमंड की बात है कि राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व के अंदर आए। इतिहास लिखा जा चुका है कि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो आज का जो वर्तमान का भारत है उसके प्रथम निर्माता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू वो शख्सियत थे कि उस समय रूस, चीन और अमेरिका के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मित्रता करने के वास्ते एक प्रकार से लालायित थे। हमारे देश के अंदर उद्योगीकरण, भिलाई का स्टील प्लांट लो, राउरकेला ले, आईआईटी ले, आईआईटी खड़गपुर ले, उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले, यानी जितनी भी आज जो हमको इस देश के अंदर बड़ी इमारतें या बड़े संस्थान दिख रहे हैं, एयर इंडिया, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं कि वर्तमान सरकार बेचते बेचते थक गई है। इतने सारे संस्थान हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए।